मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। बता दें आपको कि चौथा दिन और बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया था, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई है। और अब देखिए चौथा दिन की और न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है मनीष सिसोदिया की। इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी थी, सीबीआई ने पेश किया था, जिसके बाद ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी है, चौथा दिन इसको और एक्सटेंड किया गया है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे सहयोगी विनय सिंह से। विनय, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया और अब देखिए चौथा दिन और बढ़ चुकी है मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। बिल्कुल, चूंकि न्यायिक हिरासत में पहले से ही सीबीआई के हैं मनीष सिसोदिया, और आज उनकी ये न्यायिक हिरासत पूरी हो रही थी, जिसके बाद आज उनको एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर उनकी जो न्यायिक हिरासत और आगे बढ़ा दी गई है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, यानी कि 1 मई तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। और चूंकि आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अभी मामले में जांच चल रही है और अभी और भी आरोपियों से पूछताछ करनी है, तो ऐसे में न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की मांग सीबीआई की तरफ से की गई, जिसको कोर्ट ने मान लिया। और इसीलिए अब फिलहाल अभी जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, तब तक आखिरकार मनीष सिसोदिया अभी हिरासत में ही रहेंगे। अभी देखना है कि आगे आने वाले दिनों में और कितनी जांच सीबीआई करती है, क्योंकि इस मामले में ईडी की तरफ से भी एफआईआर की गई है और सीबीआई और ईडी दोनों की एफआईआर में मुख्य आरोपी है मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली की आबकारी नीति है जिसको लेकर जांच चल रही है उसमें मुख्य आरोपी है मनीष सिसोदिया। और ऐसे में मांग की गई थी सीबीआई की तरफ से कि जो न्यायिक हिरासत था उसको बढ़ाया जाए, और कोर्ट उसको स्वीकार करते हुए 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत और बढ़ाती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विनय अपडेट देने के लिए इस खबर के बारे में। तो देखिए चौथा दिन और एक्सटेंड हो चुकी है न्यायिक हिरासत मनीष सिसोदिया की।